बिहार पुलिस मुख्यालय की यूनिट प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। तीन महत्वपूर्ण विषय हैं इस पर मैं प्रेस वार्ता में अपनी बात रखूंगा। पहला, महिला हेल्प डेस्क और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई। दूसरा, स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत हमारी उपलब्धियां। और तीसरा रहेगा कि हमारे हाल के दिनों में अपराध कर्मियों, नक्सलियों और अन्य सक्रिय गिरोहों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसमें जो जिलों में स्पेशल। सबसे पहले मैं महिला हेल्प डेस्क की बात करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, बिहार पुलिस लगातार जन उपयोगी कार्रवाई कर रही है और उसके तहत राज्य सरकार के दिशा निर्देश में महिलाओं के उत्थान, संरक्षण और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में पीड़ितों को न्याय दिलाने, उनके कल्याण, उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के उपरांत परामर्श, उनके पुनर्वास, सुरक्षा आदि विषयों पर राज्य की पुलिस द्वारा प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। विशेषकर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान तथा पीड़ित महिलाओं को थाना पर जाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो उसकी दिशा में बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, 26 फरवरी 2023 को इस वर्ष बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा विधिवत महिला हेल्प डेस्क का राज्य स्तर पर उद्घाटन किया गया है। आज जो अद्यतन स्थिति है मैं उसके बारे में आपको बात करता हूँ। राज्य के अब तक प्रथम चरण में 500 और द्वितीय चरण में 350 अर्थात कुल 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पूर्ण कर ली गई। इन 850 महिला हेल्प डेस्क में जो प्रत्येक थानों में कार्यरत हैं, 475 महिला सब इंस्पेक्टर या महिला एएसआई यानी महिला पुलिस ऑफिसर हैं और 1982 महिला पुलिस कर्मी इन हेल्प डेस्क पर प्रतिनियुक्त। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और इस संबंध में उनको काम करने के लिए एसओपी जारी कर दिया। बिहार के पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल, उनके सुलभ पहुंच के योग्य बनाने, वांछित सहयोग प्रदान करने तथा महिलाओं से संबंधित विषयों के निष्पादन हेतु फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में राज्य के थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है जो लगातार कार्यरत है। इन महिला हेल्प डेस्क पर तमाम राज्य की महिलाएं निसंकोच पहुँच कर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी तक जब से स्थापना हुई है प्रथम चरण की और दूसरे चरण की 19,666 महिलाएं अपनी महिलाओं को लेकर महिला हेल्प डेस्क में जा चुकी हैं, जिसमें से 5,382 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान भी शुरू कर दिया गया। 1,314 मामलों को अन्य विभागों के पास अधिकारित किया गया है क्योंकि महिला हेल्प डेस्क में अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर भी महिलाएं थानों में आ रही। 12,970 मामलों में नॉन कॉल और अन्य कानूनी रूप से देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा कर दी गई। इसके अलावा ये सभी थानों में 850 थानों में कार्यरत है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के स्तर पर महिला परामर्श केंद्र की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा और महिला प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं के लिए परामर्श केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह परामर्श केंद्र राज्य पुलिस मुख्यालय में महिला विकास निगम बिहार सरकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त परामर्शियों के द्वारा सफल रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह की ट्रेनिंग हम अपने महिला सुरक्षा से संबंधित विषयों पर पुलिस पदाधिकारियों को दे रहे हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित 5 डे स्पेशल ट्रेनिंग के 6 कोर्स चलाए गए और सभी रेंज में जाकर के सभी कांड के जो अनुसंधान है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इसमें महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, यौन अपराध में साक्ष्य संकलन, फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन, डिजिटल साक्ष्य संकलन आदि विषयों पर करीब 300 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया। इसके अलावा
महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हिंसा, बलात्कार के काम की शीघ्र उद्वेगन हेतु विशेष किट बनाई गई है, जिसको 146 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य DSP को ट्रेनिंग दी गई। सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी और क्राइम ब्रांच टीम प्रभारी को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान, पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, अन्य एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन दे दिया। वर्ष 2021, वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के मई माह के आंकड़े मेरे पास हैं, जो पॉक्सो एक्ट से संबंधित, ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वर्ष 2021 और 2022 के पूरे आंकड़े हैं और वर्ष 2023 के मई माह तक के आंकड़े। प्रतिवेदित कांड पॉक्सो एक्ट से संबंधित कांडों की संख्या 2021 में 1508, 2022 में 1794 और 2023 के मई में 779 कांड प्रतिवेदित। इसमें हम लोगों ने कई सारे मामलों में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। वर्ष 2021 में 1263, 2022 में 1552 और 2023 के मई माह तक 693 कांडों में हमने आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया। मुआवजा हेतु भेजे गए प्रस्ताव, इसमें एक्ट के अनुसार मुआवजा दिए जाने का जो प्रावधान है उसमें वर्ष 2021 में 995, वर्ष 2022 में 889 और 2023 के मई माह तक 299 मामलों में हमने मुआवजा का प्रस्ताव भेजा गया। अब ये सक्षम प्राधिकार द्वारा इसमें आज कार्रवाई की गई। इसी क्रम में प्रेस वार्ता के दूसरे चरण में वर्ष 2023 की प्रथम छमाही में बिहार पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत अपराध कर्मियों को लगातार सजा वृद्धि करते हुए अधिक से अधिक लोगों को दोष दी जा रही है। इसका सारांश में आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रेस वार्ता के बाद प्रेस नोट में डिटेल में आपको दूंगा। 2098 कांडों, मतलब ये 2023 के प्रथम 6 महीने का आंकड़ा है, जनवरी से लेकर जून तक, इन 6 महीनों में 2098 कांडों में 4114 अभियुक्तों को सजा कराई गई। 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा, 480 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 379 को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई। पॉक्सो में जैसा आपने अभी देखा 397 कांडों में 485 अभियुक्तों की दोषी हुई है, बलात्कार के 145 कांडों में 174 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कुल सजा जैसे आपको बता दिया 4114 है। मैं अगर आर्म्स एक्ट की बात करूं तो 193 कांडों में 241 अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई, हत्या के 204 कांडों में 489 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, डकैती के 6 कांडों में 6 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, लूट के 34 मामलों में 48 अभियुक्तों और अपहरण के 24 मामलों में 32 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कुल 4114 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाने में अभियोजन को सफलता प्राप्त। जो अगर हम जुर्माना और बाकी जो कोर्ट की प्रोसेस है उसको छोड़ दें, तो अपराध कर्मियों को जो दोष सिद्ध कराएं, तो उसमें जो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा दोष सिद्ध हुए हैं, पटना में 797, भोजपुर में 371, समस्तीपुर में 284, बक्सर में 162, औरंगाबाद में 157, ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सबसे ज्यादा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। मैं 5 मामले आपके सामने रखता हूँ जिसमें अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। करगहर थाना रोहतास के कांड संख्या 88/09 में 376-302 का केस था, यानी बलात्कार और हत्या का कांड था, इसमें अभियुक्त शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाई। आरा नगर थाना भोजपुर कांड संख्या 24/15 में विस्फोटक अधिनियम था और भी अन्य 302 और 307 लगा था, जैसा आप लोगों को नाम से पता चलेगा, अभियुक्त लंबू उन्ना है जो जेल में भी बहुत जनता था, उसको फांसी की सजा सुनाई। के नगर पूर्णिया थाना कांड संख्या 39/13 में
35 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मोनिया थाना कैमूर 268/20 में अभियुक्त अमिताभ बच्चन भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला थाना कैमूर कांड संख्या 82/19 में ये बलात्कार का कांड था, इसमें मोहम्मद शहनवाज सिकंदर अंसारी को 35-35 वर्ष कारावास की सजा, जिस कांड में अभियुक्तों के द्वारा अपहरण कर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था, दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 35-35 वर्ष अलग अलग धाराओं को जोड़ के देखते 35-35 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रेस वार्ता के तीसरे चरण में गत दिनों इनामी नक्सली अपराध कर्मियों को जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में संक्षिप्त जिलावार ब्यौरा रखूंगा। औरंगाबाद में बिहार एसटीएफ, झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख रुपए के इनामी, एनआईए भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए के घोषित इनामी, भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य कुख्यात नक्सली वीरेंद्र यादव उर्फ सौरभ जी उर्फ मरकस बाबा केसर जगदीश यादव उर्फ मास्टर को जो जिला औरंगाबाद के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया। एक दर्जन से अधिक सारण के माझी थाना में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा 50,000 से घोषित इनामी कुख्यात वांछित अपराध कर्मी विक्की यादव को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के प्रधान नगर थाना क्षेत्र से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के द्वारा फरवरी 2023 में मुबारकपुर गांव में जो अभी घटना हुई थी, दो व्यक्तियों को पीट-पीट कर जगन हत्या कर दी, जिसके कारण विधि व्यवस्था की थी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको बाद में निपटाया गया। रोहतास के बघेला थाना में कुख्यात वांछित अपराधी एवं हत्याकांड के आरोपी 50,000 के इनामी मुन्ना सिंह और वशिष्ठ सिंह को गिरफ्तार किया गया। यह 2021 के बघेला थाना अंतर्गत कृष्ण बिहारी उपाध्याय हत्याकांड में वांछित है और इनके विरुद्ध में भी आधा दर्जन से अधिक कांड दर्ज होने की सूचना। भागलपुर के बरारी थाना में 3 कुख्यात अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। इन अपराध कर्मियों में एक कपिल कुमार यादव है जिसके विरुद्ध में 7 कांड, एक मिथुन यादव और लंगड़ा जिसके विरुद्ध में 6 कांड और एक वरुण यादव है जिसके विरुद्ध आम क्षेत्र चोरी के 2 कांड दर्ज। गया के रामपुर थाना में 13 कांडों में कुख्यात अपराध कर्मी प्रेम यादव जो कई कांडों में संलिप्त था, कई कांडों में फरार चल रहा था और हाल ही में उसने 5,00,000 रुपए की रंगदारी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मांगी थी, उसको आमसे रंगदारी फरार तस्करी तथा अन्य मामलों में कुल 1 दर्जन से अधिक कांड इसके विरुद्ध दर्ज थे। इसको प्रेम यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार। मोतिहारी जिला में ICICI बैंक में लूट की घटना हुई, उसका उद्भेदन किया गया और लूटी गई राशि के साथ अपराध कर्मी सिवान जिला से गिरफ्तार किए। सिवान जिला के कुख्यात अपराध कर्मी सद्याम आलम गिरोह के वांछित अपराध कर्मी 3 और इन तीनों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम है इसरारुल मियां, मोहम्मद शहजाद अहमद, रहीम हुसैन, वो बढ़रिया थाना क्षेत्र सिवान जिला से अवैध आग्नेयास्त्र तथा मोतिहारी के डुमरी थाना क्षेत्र से ICICI बैंक से लूटी गई राशि के साथ गिरफ्तार किया। मतलब ये अपराध कर्मियों ने घटना मोतिहारी में की और गिरफ्तारी इनकी सिवान में हुई। इनके पास से 2 देशी पिस्तौल, इसमें मैगजीन लगा हुआ है, जिंदा कारतूस, नकद 6,15,000 रुपये, चरस और मोटरसाइकिल की बरामद की गई। 22 जून को ही मोतिहारी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र में करीब 18,00,000 रुपए की लूट की घटना हुई थी, इसमें से लगभग 6,00,000 रुपए की पुलिस के द्वारा रिकवरी इन अपराध कर्मियों से कर ली गई, इनसे गहन पूछताछ करा दी गई। कार्रवाई अवैध हथियारों के विरुद्ध, जैसा हमने आपको बताया, लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है और अवैध हथियारों का समय बरामदगी से आगे होने वाले बहुत सारे अपराध को पुलिस रोक रही है। लखीसराय के मेघनी चौक थाना में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया गया, इसमें 6 अर्धनिर्मित पिस्तौल, देसी कट्टा समेत 5 अपराध कर्मी राम बालक बिंद, फलेश्वर बिंद, मुकेश साह, प्रदीप शर्मा, अशोक पोदार को गिरफ्तार कर दिया गया। इसमें बहुत सारे अस्त्र बनाने के औजार और मिनी गन फैक्ट्री को हमने
उद्भेदित करके 5 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरी उपलब्धि में उल्लासगंज थाना जहानाबाद में सफेद रंग के स्कॉर्पियो वाहन में कुछ अपराधी हथियार लेकर जा रहे हैं, इस पर एसटीएफ के द्वारा चेस किया गया, तलाशी ली गई, तो उसमें 5 हथियार तस्कर हमने बरामद किए, 1 पिस्तौल, 1 रेगुलर राइफल, 1 दोनाली बंदूक, 23 कारतूस, 3 मैगजीन के साथ कुख्यात हथियार तस्कर बबलू यादव को 4 सहयोगियों के साथ हमने गिरफ्तार कर लिया। और इनकी निशानदेही पर देखिए, पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, तो पूछताछ में जो बात आगे आई उसके बाद हमने फिर फॉलो अप किया, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है जहानाबाद के उल्लासगंज जो कि सीमावर्ती थे, फिर गया के बेलागंज में इनकी बताए अनुसार छापामारी की गई इनके निशानदेही पर, तो उसमें छापामारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया जिसमें 3 देशी पिस्तौल, 2 सिक्सर, अर्धनिर्मित सिक्सर, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा 7 अन्य हथियार बनाने के उपकरणों को बरामद किया। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रही है, अपराध कर्मियों को अपराध करने से पहले रोक रही है, हथियारों को बनने से पहले रोक रही है, लगातार विधि व्यवस्था बनाए रखने अपराध नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई कर रही है उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा। और इस प्रेस वार्ता के प्रारंभ में ही महिलाओं और खासकर हमारी जो कंप्लेनेंट है उनको थाना जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क पूर्ववत प्रारंभ हो गया, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी। थैंक यू।